जब भी देश में किसी तरह की अशांति का माहौल होता है तब आप खबरों में दो टर्म सबसे ज्यादा सुनते हैं और वो टर्म्स हैं धारा 144 और कर्फ्यू। लेकिन दोनों ही टर्म्स के बीच अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को ही सिमिलर समझते हैं। हालांकि जब आप आसान भाषा में इनको समझने का प्रयास करेंगे तो आप फ्यूचर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हाय, मेरा नाम है नेहा और आज NBT टेक के इस वीडियो में बेहद इजी लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे कि धारा 144 और कर्फ्यू क्या है और इन दोनों के बीच क्या बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर धारा 144 का अर्थ क्या है। जब किसी भी इलाके में वायलेंस यानी कि हिंसा भड़कती है तो इसे नियंत्रित करने के लिए IPC के सेक्शन 144 का इस्तेमाल किया जाता है। किसी इलाके में जब धारा 144 लागू होती है तो वहां पुलिस की तैनाती की जाती है और इसके साथ ही पोस्टर के जरिए इलाके के लोगों को सूचित भी किया जाता है। ये बात हुई धारा 144 की। अब जानते हैं जब ये धारा लगाई जाती है तो इलाके का माहौल क्या होता है। जहां धारा 144 लगाई जाती है वहां 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होती। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप 4 से कम लोगों के साथ बाहर निकलते हैं तो आप पर यह धारा नहीं लगती। लेकिन जब आप 4 से ज्यादा लोगों के साथ धारा 144 के दौरान बाहर निकलते हैं तो आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। धारा 144 का पालन न करने पर आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये बात हुई धारा 144 के विषय में। अब जानते हैं कि क्या है कर्फ्यू। धारा 144 की तरह ही कर्फ्यू भी किसी गंभीर स्थिति में ही लगाया जाता है। जब किसी इलाके में कर्फ्यू लगाया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के हाथों में आ जाता है। आसान भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो इस दौरान इलाके को पूरी तरह से छावनी के रूप में बदल दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं होती। इस दौरान इलाके के सभी लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया जाता है। ये बात हुई कर्फ्यू के डेफिनेशन की। अब जानते हैं कि जब कर्फ्यू लगाया जाता है तो इलाके का माहौल कैसा होता है। कर्फ्यू के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उस इलाके की पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। लेकिन घबराइए मत, हर सिचुएशन की तरह इस सिचुएशन का भी एक्सेप्शन है। जी हाँ, अगर आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बाहर जाना पड़ता है तो आप पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। जब किसी इलाके में कर्फ्यू लगता है तो उस स्थिति में सभी सर्विसेज जैसे कि जनरल स्टोर्स, वेजिटेबल और डेयरी फार्म्स आदि को भी बंद कर दिया जाता है। हालांकि उस इलाके में हॉस्पिटल की सुविधा चालू रहती है। उम्मीद है धारा 144 और कर्फ्यू के बीच डिफरेंस से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आप ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।